अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 8 फरवरी से तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का आगाज़। पहले रोज़ गवर्नर तेलंगाना देंगी खुतबा, इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल। बीआरएस हुकूमत ने हज हाउस और अकलियती इदारों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, मौजूदा हज हाउस भी कांग्रेस की देन। मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इकदाम में मसरूफ़। सालाना तकरीब के दौरान खानगी स्कूल का 5 साल तालबेन सम में गिरकर फौत, स्कूल इंतजामिया और LB स्टेडियम इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया गया इल्ज़ाम, मुतालिका पुलिस में किया गया केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का आगाज़ 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को 11:30 पर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदराजन के खुतबे से होगा। इस इजलास के दौरान किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि चहलशंबे के रोज़ स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कई एक हिदायतें दी। असम्बली का बजट इजलास काफ़ी हंगामा खैज होने का इसलिए इम्कान है कि एक तरफ बरसर इक़्तदार जमात कांग्रेस साबिक BRS हुकूमत की बदउनवानियों को पेश करने की तैयारी में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें BRS और BJP हुकूमत का घेराव करने की तैयारी कर रही हैं। हैदराबाद इंचार्ज वो वज़ीर पूनम प्रभाकर ने चहलशंबे के रोज़ GHMC के हेड ऑफिस में ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़, MD वाटर वर्क्स सुदर्शन रेड्डी के हमरा इजलास मुनक़िद किया और साल 2024-25 के GHMC फंड्स का बजट के जायज़ा लेने के अलावा रियासती वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर के तमाम ज़िलतवा फ्लाईओवर्स के तामीरी काम पाए तकमील करें और वाटरवर्क्स के तहत तमाम पाइपलाइंस के कामों को पूरा करने के इकदाम किए जाएं, साथ ही मौसम गर्मा में 24 घंटे बरखी सरबराही को भी मुमकिन बनाया जाए। శానిటేషన్ సంబంధించి శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏదైనా విపత్తు మన 2020లో వచ్చినప్పుడు వర్షాలు విపరీతంగా వస్తే ఈ విధంగా అయితే కొన్ని కాలనీలు మునిగినాయో భవిష్యత్తులో అటువంటిది ఏర్పడకుండా ఉండే విధంగా తీసుకునే అంశాలు కావచ్చు, వాటర్ సోర్స్ ఇతరత్ర అనేక ముఖ్య అంశాల గురించి ఈరోజు సమీక్ష చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉంది, ఎక్కడ కూడా అధికారులు చెప్తున్న లెక్కల ప్రకారంగా రాబోయే వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దడికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు, అందుకు మొత్తంగా మనకు వచ్చేటువంటి సోర్స్ ఉండేటువంటి కృష్ణా ప్రాజెక్ట్ కృష్ణా కావచ్చు గోదావరి కావచ్చు మిగతా ఎక్కడెక్కడ రిజర్వాయర్స్ ఉంటే మనకు వాటర్ వస్తాయో ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టంగా నిర్ణయం తీసుకుంది, ఇరిగేషన్ ప్రయారిటీ కంటే ఎక్కువ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనే దాని ప్రకారం తీసుకుంది, కాబట్టి ఒకవేళ లెవెల్స్ డౌన్ అయినా కూడా పంపింగ్ చేసుకునే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఆందోళన పడేటువంటి అవసరం లేదనే మాట సందర్భంగా తెలియజేస్తారు సమీక్ష ద్వారా అధికారులు।
मुशीर खास तेलंगाना हुकूमत बराए एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर ने चारशंबे के रोज़ हज हाउस का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक तरफ साबिक बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साल दौर इख्तदार में हज हाउस की तरक्की के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं किया तो दूसरी जानिब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद करते हुए 1600 करोड़ रुपये खर्च करके नया सेक्रेटेरिएट तामीर करवाया गया लेकिन उसमें वज़ीरे आला बैठ नहीं सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने हज हाउस की अराजी 22 करोड़ों में ख़रीदी थी जो 2005 में ख़रीदी गई थी और 7 मंजिला हज हाउस तामीर करवाया गया था और उसमें 3-स्टार लॉज कायम करने का भी मंसूबा बनाया गया था लेकिन साबिका हुकूमत ने इसे पूरा होने नहीं दिया। उन्होंने तयकुन दिया कि हज हाउस की मुतसिल अराजी पर आलीशान लॉज कायम किया जाएगा जो 11 माह तक लॉज के तौर पर और हज सीज़न के 1 माह आज़मीनी हज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने साबिक बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर में कायम किए गए कंप्यूटर सेंटर को बंद कर दिया गया और वक्फ अराजियात के तहफ़ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूज सैयद उमर जलील CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे डूब गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ हुआ। लास्ट मिनट में सीएम साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई बीआरएस गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक जिंदा मिसाल है कि हमने तीनों ज़मीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में कांग्रेस के दौर में ये 22 करोड़ में ख़रीदे जो गार्डन व्यू है, ये रजाक मंजिल था हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर जी CM मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विथआउट पुलिस इसका कब्जा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वर्क बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा और मैंने फाउंडेशन लगाया 1993। तो कितने हो गए वो 7 साल, ये 23 साल, यानी 30 साल, 31 ईयर बैक हमने करे। इसके बाद इस बिल्डिंग को बनाने में वो दौर के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू का भी है और जो इसाक मदनी दरगाह का जो अमाउंट आया था वो अमाउंट से आंध्रा की दरगाह का वो अमाउंट से थोड़ा हज हाउस भी पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर ये हज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो वो भी फाउंडर हम ही हैं। फिर बाजू की जमीन इधर जो ओपन दिख रही है आपको हमारे लेफ्ट साइड में पार्किंग का जो जगह है, मैंने वहां पर दक्कन मोटर्स था, कई सालों से हमारे सरदार जी भाई की थी, उन्होंने छोटा गुरुद्वार भी बना लिया था, हमने उस लैंड को एक्वायर करे कलेक्टर हैदराबाद को लेकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए में उसका एक्वायर करे, 5 करोड़ सोने इतनी सारी जमीन। आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर खरीदे इधर एक्वायर करे इधर कब्जा लिए हमारा एज पर दी कोर्ट के ऑर्डर पे, लेट करते तो फिर दोबारा कुछ स्टे लाएंगा बोल के रात रात कब्जा लिए। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज 1000 करोड़ रुपए की मालियत है। आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हम बनाए मगर लास्ट 10 साल के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं करे, तीनों प्रॉपर्टी वैसी है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, जो छोड़ के गए हम छोड़ के गए। अब हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अब उसमें हम रिव्यू करेंगे कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या देना, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है उस इंस्टीट्यूशन से लगाकर उसका जो किराया और वो लीज ऑक्शन में करते वो अमाउंट जो आता
वो अमाउंट जिसका जितना है, कोई अगर रुपया लगाए तो रुपये पे क्या आमदनी है, कोई पाँच रुपये लगाए तो पाँच रुपये की, वो अगर बैंकों में पड़े होने से उसका आजकल मिनिमम इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। इज वन ऑफ द प्रपोजल, तो फाइनल नहीं ही है ये मेरा प्रपोजल। लास्ट टाइम ये बिल्डिंग बना था उस टाइम पे मेरा प्रपोजल यही था। तो उमर जलील साहब, हम मेरा जो स्टार्टिंग फाउंडेशन के टाइम पे जो प्रपोजल था यही था कि जो इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है बैंकों में है, वो आजकल इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत कम आ रहा, वो पैसा हम इसमें डेवलपमेंट में लगा के जो ऑक्शन में हमको पैसा आएगा, वो पैसा फिर वो इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट के साथ वापिस जाएगा। एक तरीका है। दूसरा, गवर्नमेंट का कितना ग्रांट इनेट होना, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना देना, इसके लिए फिर से कोई टेंडर प्रोसेस में बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसा बिट करेंगे हम लोग। सर आप जैसे बोले, हमें प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करता हूं। हाँ, तो प्रपोजल करे तो हमको और भी दो ओपन जाएंगे, इसको कंप्लीट करके देना है जी। तो उसको कंप्लीट करके देने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या किस बेस पे हम टेंडर बुलाएंगे, वो किसी को फिर ये खा गया वो खाया का नहीं, ओके खाने का नहीं देने का, जैसा बनाने के बात करिए। बनाने के बाद इसको हम अगर इसको ओपन एक्शन करेंगे तो काफ़ी पैसा आ सकता हमारे को। और कंडीशन ये लगाना कि हज का सीजन के टाइम पर वो सीजन में हमको कितने हॉल्स खाली होना, कितने रूम्स होना, वो भी सब कर देना, क्योंकि 11 महीने अगर हम खाली छोड़ो तो खराब हो जाता। इसी पे फ्लोर पे मैंने कंप्यूटर सेंटर बनाया था, राजशेखर साहब आके इनॉग्रेट करे थे, मगर 2 साल के बाद आए तो पूरे चूहे खा गए, कारपेट खत्म, कंप्यूटर खत्म, ये तक खा लिए दिमाग पूरा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट के सरकारी तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज की G+1 की नई इमारत 16 कमरों के साथ तामीर की जा रही है। इसी कैंपस में जूनियर कॉलेज की G+1 इमारत भी 29 कमरों के साथ तामीर की जा रही है। रुकन असम्बली ने चहारशंबे को मुतालिका अहदेदारों के हमराह कॉलेज कैंपस का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर को सदर मजलिस के पैगाम से भी वाकिफ करवाया। डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज की इमारत में तुलबा को मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जल्द ही न्याक की तरफ से इंस्पेक्शन होने वाला है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसिल एक कोशिश रही है कि मलकपेट के तालीमी इदारों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए ताकि तलबा को सहूलत हो सके। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। जब का जब उठाने भी लगा मुझे बिल्डिंग का बताओ, उसमें से कितना बना रहे हैं, अभी इसमें कितना आ रहा बोल के वो बताओ मेरे को। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। कोई लेना एजुकेशन कुछ ज्यादा नहीं है, तो ले लेना यार, लिए तो ले, उसके लोग ले रहे।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن بلدیہ دودھ بولے ڈویژن محمد سلیم نے ڈویژن کے علاقے مرشد نگر اور پالم روڈ کے اطراف و اکناف کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں سے نمائندگی بھی کی کہ ادھورے کاموں کی فوری تکمیل کی جائے اور ماہ رمضان سے قبل مذکورہ کاموں کو مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد سلیم کے ہمراہ مقامی مجلسی سرگرم کارکن بھی موجود تھے۔ الفا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی جانب سے 9، 16 اور 23 فروری کے علاوہ 1 مارچ کو خصوصی کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں، جن کے اوقات شام 3 بجے تا 6 بجے ہوں گے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر نوید سراج اور دیگر ڈاکٹرز نے میڈیا کو تفصیل بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ فری شعور بیداری کیمپ رمضان المبارک تک توسیع دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہاسپٹل کے دیگر ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود تھا۔ الفا ہاسپٹل کے جانب سے میں پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ پہلے تو جنوری کے کیمپوں، جو جمعے کو جمعہ کیمپ ہو رہا تھا، اس کا بے شمار محبت اور پیار آپ لوگوں سے ملا میرے کو۔ سوؤں سے پیشنٹ اس کیمپ کا فائدہ اٹھائے، میں اس کا تہے دل سے آپ لوگوں کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس کیمپ کے دوران مجھے یہ نوٹس میں آیا کہ جو پیشنٹس آ رہے تھے، کافی پیشنٹس انکنٹرول شوگرز، انکنٹرول بی پیز، اور معمول سے جو کیفیت ہو رہی تھی کہ پیشنٹس کو ہڈیوں کی تکلیف، جس میں کیلشیم کی کمی بہت ہی کم دکھ رہی تھی۔ اس چیز سے میرے کو نوٹس میں یہ آیا کہ یہ چیزوں کو تو روکا جا سکتا ہے، یہ چیزوں کو پہلے اپن پریونٹیو میتھڈز یوز کرنا بہتر ہے۔ بیماری آئے بعد بیماری کا علاج تو چلتا رہتا، اور بیماری کے کمپلیکیشنز، دوائیوں کے کمپلیکیشنز ہوتے رہتے۔ میرا یہ سوچنا ہے کہ ہم پہلے بیماری کو آنے ہی کیوں دیں، تو بیماری کو روکنے کا ہم پہلے سلا کیوں نہ دیکھیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی جہاں بھی ہم دیکھتے، ہمارے مائنورٹیز میں ہی زیادہ پیشنٹس دکھائی دیتے ہر بڑے بڑے ہاسپٹلس میں، چاہے وہ نیو سٹیز رہو، اولڈ سٹیز رہو، اپنے ہی پیشنٹ زیادہ ہے، کیا بات سے۔ تو اس کو میں گہرائی سے سوچنے کے بعد یہ نظریہ یہ ہوا کہ ہم پہلے تو بیماری کو آنے ہی نہیں دینا۔ تو یہ کیمپ میں میرا 3 مدعا ہے۔ ریڈ ہلز میں واقع نیلوفر ہاسپٹل کے لیب میں اچانک معمولی آتش‌زدگی کا حادثہ پیش آیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فوری طور پر فائر بریگیڈ کو مطلع کیا گیا، جس کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی منجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین مقام حادثے پر پہنچے اور تفصیلات بھی حاصل کیں۔ آج نیلوفر چلڈرن ہاسپٹل میں ایک فائر انسیڈنٹ رپورٹ کیا تھا، قریباً 5:30 اور 5:10 کے درمیان میں ہمارے مقامی کارپوریٹر عارف رضوان صاحب کو یہاں پہ کال آیا، اور وہ برق وہاں پہ پہنچے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چندرشیکھر صاحب اسٹیشن آفیسر جو اسمبلی کے فائر ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی فوراً یہاں پہ پہنچے۔ مگر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آگ لیب میں لگی تھی، اور اس لیب کی آگ کو بر وقت یہاں کے ذمہ داروں نے مل کر اس کو فائر سیفٹی میجرز جو یہاں پہ 3 مہینے پہلے سکھائے گئے تھے، یہاں پہ ایک ڈرل کنڈکٹ کی گئی تھی، اس میں جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے مقامی سپروائزروں نے اس کو بھر وقت اس کو قابو میں لایا اور اس کے بڑے حادثے ہونے سے روکا۔ جیسا آگ کی اطلاع ملی یہاں پہ عارف رضوان صاحب فوراً پہنچے، اور مجھے جیسا اطلاع ملی یہاں پہ پہنچا، یہاں پہ چندرشیکھر راؤ صاحب کے ساتھ ہم نے پورے بلڈنگ کا معائنہ لیا ہے۔ آگ پوری طور پہ کنٹرول میں ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ فائر سیفٹی ایکوپمنٹس بھی ان پلیس تھے، اور انشاءاللہ ہم ایسے حادثوں کو آگے فیوچر میں بچانے کے لیے ایسے فائر سیفٹی ایکوپمنٹس کا اور بہترین طریقے سے انتظام ان گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں کریں گے، تاکہ ایسے حادثوں پہ بنیادی جب شروع ہوتا ہے جب ہی اس پہ کنٹرول کر سکیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ چھوٹا سا حادثہ کوئی بڑے حادثے میں تبدیل نہیں ہوا، اور اس کو چھوٹی آگ کو ہی فوری طور پہ جو لیب میں لگی تو اس کو کنٹرول میں کر لیا گیا ہے۔
ये जो इलाके में जो यहाँ पे आग लगी थी वो लैब का इलाका है जो पेशेंट से थोड़ी दूर पे है, और भरोक भी उसको एक 5 से 10 मिनट में उस आग को काबू कर लेते हुए उसको फैलने से रोक दिया गया। नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुतमईन देता हूँ कि हम जल्द से जल्द नामपल्ली हलके में एक फायर स्टेशन यहाँ पे लाएंगे और उसको एक हकीकत बना के रहेंगे। उसकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं और उसकी मंजूरी भी आ चुकी है, बहुत जल्द उसका काम पूरा तकमील भी हो जाए। बिल्कुल फौरी तौर पे मेरी सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई और हम एक फौरी तौर पे एक टेम्पररी लैब करेंगे। मैं अब आपसे मुखातिब हुए वैसे सुप्रिटेंडेंट मैडम के साथ बैठ के जो टेम्पररी इकदाम लेना है उसका जायजा लूंगा और फौरी तौर पे यहाँ के मरीजों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो इसका मैं पूरी तौर पर इत्मीनानी देता हूँ। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़े अम्मावारी मंदिर में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। विजय आनंद ग्राउंड के रूबरू वाक़े इस मंदिर का खुफल तोड़ते हुए हुंडी में वाक़े नगद रकम और जेवरात उड़ा लिए गए। सुबह मंदिर के पुजारी के आने के बाद इस सरक़े का इल्म हुआ। फौरी तौर पर इस सिलसिले में एक शिकायत मुतलका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जीएचएमसी और रेवेन्यू अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि सड़क की तोसी में अगर गैर रजिस्ट्रेड शुदा इबादत गाहों बशमुल मंदिर हो या मस्जिद उसको मुंतकिल किया जाए। जीवीएम रोड ता मुशराबाद रोड बाकाराम के गैर मजाज तामीरात केस में सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट ने मस्कुरा हिदायत दी। हाईकोर्ट ने हिदायत दी के सिलसिले में अंदरून 3 हफ्ते रिपोर्ट दाखिल की जाए। शताब्दी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता श्रीधर रेड्डी गैर मजाज तामीरात को लेकर कोर्ट से रुजू हुए थे। कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में हिदायत दी कि अगर रोड मार्जिन में गैर रजिस्टर्ड शुदा मंदिर या मस्जिद भी आ रही है तो उसे भी मुंतकिल करने के इकदाम किए जाएँ। अमरीकी शहर शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म मुजाहिर अली पर मुसल्ला अफराद की तरफ से हमला किया गया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आया है जिसमें मुसल्ला अफराद मुजाहिर अली का पीछा करते हुए देखे गए। जख्मी हालत में मुजाहिर अली ने बताया कि उन पर हमला हुआ है। बताया गया है कि इंडियाना वेस्ले यूनिवर्सिटी से मुजाहिर अली मास्टर्स कर रहे हैं और शिकागो में उनकी ख्यामगा के पास उन्हें हमले का निशाना बनाया गया। मुजाहिर अली ने अपने पयाम में हुकूमत हिंद से मदद की अपील की है। मुजाहिर का ताल्लुक हैदराबाद के लंगर हाउस से बताया गया है। Somebody is 4 people, there were 4 people, 4 जन ने मिलके मेरे घुमा रहे भाई। मैं वहां से आ रहा था भाई, वहां से आ रहा था मैं, हाथ में थैली थी खाना ले लेके आ रहा था मैं। मेरा घर यही है, यहाँ पे मैं स्लिप हो गंगा, 4 जन ने मेरे को पकड़ के लाता घुसे पंचा सब मारे, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई, मेरा फोन खींच लेके चले गए भाई। प्लीज हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिकागो में हैदराबाद के तालिब इल्म के साथ पेश आए वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर वज़ीर आला ने बताया कि उनकी हुकूमत अमरीका और दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए हेल्प डेस्क के क़याम को यकीनी बनाएगी। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा से सिलसिले में ताउन की भी अपील की है। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से भी इस मामले में मदाखलत की अपील की है।
मुजाहर अली की अहलिया सैयदा रुखिया फातिमा रजवी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 फरवरी की दरमियानी शब 1 बजे उनके शोहर पर हमला किया गया। उन्होंने हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा से अपील की है कि उनके शोहर को तिबी और क़ानूनी मदद फराहम की जाए। रुखिया ने वज़ारत ख़ारजा से दरख्वास्त की है कि उन्हें भी अमरीका जाने के लिए वीज़े की रहनुमाई की जाए। मेरे हस्बैंड सैयद मज़ाहिर अली शिकागो गए थे मास्टर्स के लिए। 4 फेब को उनके ऊपर एक जानलेवा अटैक हुआ। वो अपने घर जा रहे थे रात में, कुछ रात के 1 बजे, तो 3 लोग गाड़ी में से उतरकर इन पे जानलेवा हमला किए और गन से भी उनको वो हमला किए। और मुझे कुछ 4 बजे मालूम पड़ा कि मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि इन पर अटैक हुआ, और कुछ 6 बजे के करीब मेरे पास व्हाट्सएप वीडियो आया जिसमें बहुत ज़्यादा उनको खून बह रहा था। तो उसके बाद से मेरी इनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, फिजिकली भी बहुत डैमेज्ड है और मेंटली भी अभी उनकी हेल्थ स्टेबल नहीं है। तो और वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ खास मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया उन्हें। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ कि मेरी हेल्प कीजिए कि उनको मेडिकल और एक लीगल एक्शन वहाँ पर हो और इनकी मेडिकली भी हेल्प हो। और अभी तो वो ऐसे स्टेट में नहीं है कि बात भी करें। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मेरे लिए एक इमरजेंसी वीज़ा इशू करे जिससे मैं मेरे हस्बैंड के पास जा सकूं और उनको सपोर्ट कर सकूं मेरे 3 बच्चों के साथ। लाल बहादुर स्टेडियम में खानगी स्कूल के प्रोग्राम के दौरान 5 साल बच्चा सब में गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी के खानगी सक्सेस स्कूल की तरफ से एलबी स्टेडियम में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। 5 साल आहिल अपने बड़े भाई आदिल और वालदा के हमरा एलबी स्टेडियम आया हुआ था। आहिल की वालदा ने बताया कि कुछ देर के लिए आहिल जब नज़र नहीं आया तो बच्चों ने आकर इत्तला दी कि वो सम में गिर गए हैं। वहाँ बैठे वॉचमैन ने भी लापरवाही का मुजाहरा किया और सम में किसी के गिरने से लाइल्मी का इजहार किया। बाद में सम से आहिल को निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असेंबली कारवान कौसर महुद्दीन को उस्मानिया हॉस्पिटल रवाना किया, जहां कौसर महुद्दीन की निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया और बच्चे की लाश विरसा के हवाले की गई। रुकन असेंबली ने एलबी स्टेडियम की इंतजामिया को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। मुतौफी के अफराद खानदान ने स्कूल इंतजामिया के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया है। स्कूल इंतजामिया को चाहिए था कि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा पर नजर रखे और प्रोग्राम के दौरान मोस्ट इंतजामात को यकीनी बनाए। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। सम के ऊपर ऐसा वो एक ढाकन ढापे हुआ था, उसके ऊपर गनेट रखे हुआ था, एक वॉचमैन था, शायद चेयर डाल लेके बैठा। हम लोग बोले उसको बच्चा गिर गया, कहते बच्चे बोल रहे जरा देखो वो, तो उन्होंने बोले बंद है अम्मा, कोई भी नहीं गिरा। वो तो ऑडियंस में से भाग के लोग क्या हुआ अम्मा, कहीं को रो रहे, वो तो नहीं जरा बच्चा गिर गया देखिए, वो तो जल्दी जल्दी हटा के देखिए। उन्होंने बोले ऊपर ही बच्चा निकाल लेते। बच्चे को निकाले बाद हम लोग पेट दबा के देखे तो पानी निकला। फिर जल्दी जल्दी ऑडियंस में से लोग निकाल के उनकी अम्मी को ले लेके बशीरबाग बाग के होप हॉस्पिटल को ले लेके गए। हम लोग ये सक्सेस स्कूल वाले हैं। बच्चा टोली चौकी ब्रांच का है, UKG का है बच्चा, और भी बच्चे वही जो स्कूल में पढ़ते पूरे, इनको ले लेके उन लोग बच्चे को हॉस्पिटल को ले लेके चले गए। तब ये गलती है ना, वो स्टेडियम वाले भी देखना ना सर, पूरा बाउंसर सब थे, कोई नहीं आए साथ में, इन्हों अकेले कोई जब बच्चे को ले गए कोई नहीं आया। हम ना जाके स्टेज पे बोले साथ में ऑडियंस में से लोग आके बोले बच्चे को, हम ना जाके बोले ऐसा बच्चा गिर गया, तो ना बोले नहीं नहीं ऐसा कैसा गिरता, हमारे स्कूल का नहीं है बोले पहले तो। फिर हम ना बोले स्कूल का ही बच्चा है, परफॉर्मेंस दिया आप भी बच्चा, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिया आप लोग इधर का है बोल के बोले, मैं वहीं थी, ये बच्चा बड़ा बच्चा डर से मिसिंग हो गया था। तो अल्लाह मेरे को बिठा के बोले आप परेशान नहीं है, बच्चा ICU में है, स्टेबल है बच्चा बोल के मेरे को बिठा दिया प्रिंसिपल, स्टेबल है बच्चा बोल के बिठा दिए। तो सारों को वो बच्चे आए थे, कोई जो बच्चे के लिए ऑडियंस थे
रात के 11-12 बज गए थे, कोई रिस्पांस नहीं करे मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं करे। बोली गेट खोलो बच्चा, सीरियस है, गेट खोलो। वो तो वहाँ से भागो, हम लोगों को भगाया भाई, लाठों से गेट मार के तोड़ के निकले। इतने जी हाँ, मैं खुद ढूंढ रही थी मेरे बच्चे को, बोलू ना मैं वो जाके देखी, वो नाला वैसे ही खोदे हुआ, वहाँ पे कुछ भी नहीं डाले शीट, मेरा बच्चा गिरते की शीट डालते हैं वहाँ पे। हम लोग हटाए तो बच्चा कोई जींस ही निकाया, तो बच्चे का पूरा पानी मुंह में से निकला, निकल के ना लेके भाग गए। कोई डोर ना खोले, बाउंसर्स भी नहीं, कोई लोग ऑडियंस आके लात से मार के गेट तोड़ दी। जब जाके मैं ऑटो में बैठ के चली गई, मैं एक आदमी ना, कोई नहीं थे ना मेरे फैमिली वाले, ना कोई टीचर, ना कोई कुछ नहीं। गेट खोले गेट नहीं खोले, लेट हो गई। मेरा बच्चा मैं मुँह में से कब जाता, हम लोग ऑक्सीजन ही वो लगा, मेरे को बोले बच्चे को ऑक्सीजन लगा रहे, बोले मेरे को बोले ही नहीं मेरे बच्चे का हो गया, बल्कि मैं नहीं बोले उन लोग, मैं कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा लेती थी, मेरी औलाद चले गई। परफॉर्मेंस चल रहा मेरा बच्चा यूपी जी का, वो खड्डे में गिर गया, ढापते कैसा दिल बोला उन लोगों का, ढापने आवाज नहीं आई, क्या बोलो मेरे बच्चे की। छोटे बच्चा मेरे साथ 10 मिनट में जाते चले गए भाई, जरा बच्चे जो हमारे टोली चौकी के अंदर जो सक्सेस स्कूल के नाम से है, वो स्कूल और उनके कई ब्रांचेस है हैदराबाद के अंदर, इन तमाम ब्रांचेस का LB स्टेडियम के अंदर एनुअल डे का प्रोग्राम रखे थे। जो आज हादसा हुआ वो अफसोसनाक हुआ, हादसा हुआ जो 5 साल बच्चा राहिल नामकारी, यह बच्चा UKG में रहता है। जो बच्चे का जो प्रोग्राम था 3 बजे होगा, और ये बच्चे के 2 भाइयां भी थे, वो बच्चों का शाम में प्रोग्राम था 5-6 बजे के दरमियान में, और ये बच्चा इनके वालदा के साथ में था। बच्चा खेलते खेलते मैं समझता हूँ वो LB स्टेडियम के अंदर जो हादसा हुआ, जो खुला सम था वो सम के अंदर गिर गया बच्चा। गिरने के बाद बच्चे की फौत हो चुकी। जिस तरीके से उनके वालदा, उनके रिलेटिव जो भी LB स्टेडियम के अंदर ढूंढ रहे थे, उसके बाद कोई लोग निकाल कर उस सम में से निकाल कर बॉडी को ऊपर रख दिए। उसके बाद वहाँ के कई जिम्मेदार यहाँ सैफाबाद PS में इत्तला देकर यहाँ पर मार्चरी को लाए, और जिस बात हमको इत्तला मिलने के बाद मैं खुद पहुँचा, और मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स, मेरी जमात के वर्कर्स पहुँचे, और ये बच्चे के महरूम के चाचा वगैरह है, मैं समझता हूँ इनके बच्चे के जो महरूम के बच्चे के वालिद सऊदी अरब के अंदर जॉब करते हैं, और अभी बता रहे थे कि उनके वालिद सुबह में पहुँच जाएंगे। फिर मैं आकर यहाँ पर RMO साहब से बात किया, सैफाबाद ACP साहब से बात किया, अभी रात में मार्च पोस्ट मार्टम के लिए भी डॉक्टर्स भी आ चुके हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह रात में पोस्ट मार्टम कर उनके हवाले के लिए दे। मगर जो भी हादसा हुआ अफसोसनाक वह हादसा है, और ये तमाम जिम्मेदारी LB स्टेडियम वालों के ऊपर आती है, इसलिए कि वहाँ पर जो स्कूल के जिम्मेदार, स्कूल के जो ओनर्स है, वो LB स्टेडियम के अंदर पेमेंट देकर आज किराए पर लिए थे स्टेडियम को। उसके बाद वहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम है बोल के तमाम को मालूम है, उसके बावजूद भी वो जिम्मेदारी बिल्कुल निभाए नहीं। उसके बाद वहाँ पर सब खुला था, आज वो जो हादसा हुआ सब में गिरने के बाद हादसा हुआ, और ये मैं समझता हूँ उनके जिम्मेदारी भी बता रहे थे कि 3 बजे बच्चे का प्रोग्राम होगा था, उनके भाइयों के प्रोग्राम के लिए रुके हुए थे, ये हादसा हुआ उस दरमियान में। आज यहाँ पर हमारी जमात के तमाम सदर मुतमदीन और मेरी जमात के कॉर्पोरेटर्स भी टोली चौकी गोलकुंडा यहाँ पर आए, इंशाल्लाह भी मैं ACP साहब से बात किया, अभी एक आधे घंटे के अंदर मार्च पोस्टमार्टम करके उनकी बॉडी को उनके हवाले किया जाएगा। हुसैन आलम पुलिस ने रहजनी की वारदात में मुलविस 2 सारखीन को गिरफ्तार किया है। ACP चारनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेहान इखवान और अब्बास अली खान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 30,000 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और एक टू व्हीलर को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को शिकायत मिली थी कि 16 जनवरी को मल्लैया नामी शख्स अपनी बेटी की जजगी के सिलसिले में पेटला ब्रज जजगी खाने आया था कि 23 जनवरी को वो जब बाहर चाय पी रहे थे तो उस दौरान 2 अफराद उनके पास आए और फ़ोन करने के लिए मोबाइल देने को कहा। इस दौरान जब उन्होंने इनकार किया तो उन पर हमला करते हुए मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए रहजनों को गिरफ्तार किया है। और स्वामी जो व्हीकल चेकिंग करते वक्त 2 एक्यूज्ड जो रेहान अकवन और मिर्ज़ा अब्बास अली खान, ये 2 राबरी करे सो है अपना हुसैन आलम में मेटरनिटी हॉस्पिटल के पास 23rd नाइट
एक गुर्रम मलेश बोल के उन्होंने जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल में उनके रिलेशन एडमिट हुए थे, तो उन्होंने वो टाइम में आके बाहर चाय पीने 4 बजे सुबह बाहर आके चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे, तो एक बुढ़ी औरत उन्होंने भी रोड क्रॉस कर रही थी, उनको हेल्प करते वक्त ये दो जो एक्यूज्ड है गाड़ी पे आके इसको सेलफोन पूछे, बाद में सेलफोन स्नैच करके जाते वक्त उन्होंने पकड़ लिया, तो उनको हाथ पे चाकू से मार के वो सेलफोन लेके भाग गए थे। जो ये वन है इसके ऊपर और दो केसेस है, एक जो है नारायणगुड़ा और एक काला पत्थर के, इसके ऊपर पीडी एक्ट फिट होता नहीं होता हम लोग चेक करके पीडी एक्ट का भी प्रपोजल डालेंगे। ये दो जो भी है मौलाली के तरफ रहते, अभी जो ये वन है अभी मौलाली से डबिलपुरा टेम्पररी आए थे, तो इनको हम लोग अरेस्ट करके रिमांड कर रहे। आंध्र असेंबली से आज फिर तेलुगुदेशम के बाद अरकान को मुअत्तल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी तेलुगुदेशम के अरकान को मुअत्तल किया गया था। आज जैसे इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तेलुगुदेशम के अरकान ऐवान में नारेबाजी करने लगे। शोरगुल को देखते हुए तेलुगुदेशम के अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, నిమ్మల రామానాయుడు, మంతన రామరాజు, ఏలూరి సాంబశివరావు, డోల్ల శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి అధ్యక్ష, దే మే బి సస్పెండెడ్ ఫర్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఫర్ టుడే అధ్యక్షులు राजेंद्र नगर मलाड़देवपल्ली पुलिस स्टेशन के टाटा नगर में वाक़ प्लास्टिक के सामान की तैयारी के कारखाना में आग लगने का वाक़ पेश आया। आग के फैलने और बुलंद शोलों से सनसनी देखी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर आग पर काबू पाया, ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। हैदराबाद में आरटीसी बस ड्राइवर के साथ एक शख्स की बहस और तकरार और झड़प का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि हकीमपेट डिपो की बस ECIL से सुचित्रा जा रही थी। कदीम अलवार इंदिरा गांधी मुजस्मे के पास बस के ब्रेक लगाने से बस से बाइक टकरा गई। बाइक सवार ने भरम होकर ड्राइवर पर बरहमी का इजहार किया। बताया गया है कि हेलमेट से मुबैना हमला भी किया गया। दो रोज़ कबल भी फारुख नगर डिपो की बस में भी बस ड्राइवर के साथ झगड़े का वाक़या पेश आया था। जश्न शब मेराजुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्स शरीफ पीरान तरीक़त का चिश्ती चमन में 25 रजब को इनेकाद अमल में आया। नवासाए सरकार वतन मौलाना पीर अकबरुद्दीन जाकिर शाह इफ्तिखारी ने संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए और चादर गुल पेश की। हज़रत सैदानी माँ साहिबा क़िबला का उर्स शरीफ वाक़ चिश्ती चमन मंगलहाट 25 रजब को अमल में आया।
चिश्ती चमन में जश्न मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उर्स शरीफ पीरान तरीक़त जामा मस्जिद चिश्ती चमन से बाद नमाज असर मौलाना पीर ज़ाकिर इफ्तिखारी सजाद नशीन हज़रत सैयदानी माँ साहिबा नबीली सरकार वतन की ज़ेर क़्यादत जुलूस संदल माली बरामद हुआ। बाद अज़ां ज़िक्र इलाही और दुरूद शरीफ का वर्द करते हुए सिलसिले आलिया इफ्तिखारिया के वाबस्तगान का ये जुलूस बाअक़ीदत व एहतराम बारगाह सरकार वतन पहुँचा, जहाँ नमाज मगरिब से कबल सजाद नशीन मौलाना पीर ज़ाकिर इफ्तिखारी ने मरासी में उर्स अंजाम दिए। मज़ारात पीरान तरीक़त पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद मुनीर अहमद इफ्तिखारी ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद हज़रत वतन ने फातह ख़वानी की, जबकि शेख साजिद इफ्तिखारी अब्दुल क़ादिर इफ्तिखारी और मोहम्मद सलीम इफ्तिखारी ने तबरुकात तकसीम किए। बाद अज़ां हज़रत पीर चिश्ती सैयद वलीउल्लाह हुसैनी शाह क़िबला सजाद नशीन व मुतवली दरगाह हज़रत वतन चिश्ती चमन की साहिबजादी हज़रत सैयदानी माँ साहिबा के सजाद नशीन मौलाना पीर ज़ाकिर इफ्तिखारी ने बारगाह खुदाबंदी में जुमला सलासिल चिश्तिया खादरिया नक्शबंदिया रिफाइया और सहरवर्दिया के अलावा उम्मत मुसलिमा के लिए खुसूसी रिखत अंगेज़ दुआ की। उर्स शरीफ के मौके पर मुरीदीन व मुतअक़्क़िदीन के अलावा वाबस्तगान की कसीर तदाद भी मौजूद थी, जबकि से रोज़ा तकारीब के ज़िमन में 26 रजब को महफिल चिरागा और 27 रजब को मजलिस खुल पर उर्स शरीफ का अख्तिताम अमल में आएगा। सिकंदराबाद क्लॉक टावर के करीब AVVP से वाबस्ता तलबा ने स्कॉलरशिप्स जारी करने का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। AVVP तलबा ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि इख्तदार में आने के बाद तलबा के दरीना मसाइल को हल किया जाएगा, तहम इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी सिलसिले में कार्रवाई की जाए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। 8 फरवरी से तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का आगाज, पहले रोज़ गवर्नर तेलंगाना देंगी खुतबा, इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल। BRS हुकूमत ने हज हाउस और अखिलियती इदारों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, मौजूदा हज हाउस भी कांग्रेस की देन, मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इकदाम में मसरूफ। सालाना तकरीब के दौरान खानगी स्कूल का 5 साल तालब इन सम में गिरकर फौत, स्कूल इंतजामिया और LB स्टेडियम इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया गया इल्ज़ाम, मुतालिका पुलिस में किया गया केस दर्ज। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।